हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा टॉपिक है रेंडरिंग लिस्ट। जैसे कि रिएक्ट ने पहले मेंशन किया था वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में, कि अगर आप इनके डॉक्यूमेंटेशन को अगर देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट 80% चीज़ें जो है आपके कॉन्सेप्चुअली जो चीज़ें जो है वो कवर अप हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो इन लोगों ने यहाँ पे टॉपिक्स कवर, मतलब इन लोगों ने किया है और जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है ओवरव्यू से लेकर कंडीशनल रेंडरिंग तक, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत बेसिक्स रिएक्ट्स की जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, और इनको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेंडरिंग लिस्ट, एक्चुअली इसको समझना बेसिकली। ठीक है, तो वी विल रिलाई ऑन जावास्क्रिप्ट फीचर्स लाइक फॉर लूप्स एंड एरे मैप फंक्शन टू रेंडर लिस्ट कॉम्पोनेंट। ठीक है, जो यहाँ पे मैप मेथड है वो ES6 का एक नया मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था बेसिकली एरे के लिए। तो मोस्टली जो है रिएक्ट में हम इसी मेथड को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब इसी का ही यूज़ मोस्टली लोग करते हैं। ठीक है, इजी है, शॉर्ट भी है, मतलब लिखने में भी, और नॉर्मली ये वैल्यू जो है सीधा रिटर्न कर देता है, आपको अलग से रिटर्न या समथिंग कुछ जो है मेंशन करना नहीं पड़ता है। ES6 बेसिकली इसीलिए आया ही था कि आप जो है स्पेशली रिटर्न स्टेटमेंट्स ना लिखें और वैल्यू जो है वो डायरेक्टली रिटर्न हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मैप मेथड है ये हमेशा ये उम्मीद करता है कि आप जो है कुछ वैल्यू रिटर्न करें। ठीक है, तो अगर JS लिंट वगैरह जो है, अगर वो सब चीज़ें अगर आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो इसके लिए यहाँ पे ये एरर भी थ्रो कर देगा कि आप जो है मैप मेथड जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ से जो है कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और अगर बात करें हम प्योर फंक्शंस की बात करें, तो प्योर फंक्शंस जो है ऑलवेज ही एक्सपेक्ट करता है कि वो जो है कुछ वैल्यू रिटर्न करें। ठीक है, तो प्योर फंक्शन एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, आप उसके बारे में अगर पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है बेसिक। आम दिन पे जो हमें इश्यूज़ आती रहती हैं तो उसके लिए प्योर फंक्शंस को जो है हमें फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए लिस्ट को समझते हैं। सेम यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दिया है, इसी एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, और फर्दर जो है रेफरेंस के लिए आपके पास तो रिएक्ट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाली जो वेबसाइट है वो तो पड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो है आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, अदर देन डेट जो है मैं बेटर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर जल्द से जल्द जो है रिस्पॉन्ड करूँगा। तो यहाँ का जो बेसिकली सेक्शन है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से लिस्ट के नाम से एक कंपोनेंट जो है वो बनाएंगे और उसे हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक लिस्ट के नाम से कंपोनेंट बनाता हूँ। तो कॉन्स्ट लिस्ट, अगेन हमारा एरो मेथड, और एरो मेथड के अंदर मैं यहाँ पर ये कॉन्स के नाम से, एक कॉन्स प्रोडक्ट के नाम से मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया है। ठीक है, रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न में हमें जो है इसी का रेफरेंस ले लेते हैं, तो रिटर्न में जो है हमें ये चीज़ें हमें यहाँ पे देना है इसको। ठीक है, डिपेंड करता है आप मतलब आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको लिस्ट दे दिया। ओके, कॉपी मैंने कहाँ तक किया था, ये पूरा कॉपी हमें करना है, तो मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया। कॉपी करके हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इसको अभी समझाता हूँ आपको कि एक्चुअली में ये जो है वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, और तीसरा जो था वो है हमारा ये सेक्शन एक्चुअली, यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं लिस्ट को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लिस्ट के नाम से कॉम्पोनेंट बनाया है, इस कॉम्पोनेंट को हमें रेंडर करना है, और रेंडर करने के बाद से इसे हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लिस्ट आइटम में, ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, ठीक है, इसको चलिए ज़्यादा क्लियर होगा अगर मैं लिख के आपको बताऊँ तो। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट मैप, मैप में आपका जो है अगेन आपका कॉल बैक मैथड, कॉल बैक मैथड में यहाँ पे आपका आइटम। ठीक है, आप आइटम, तो
तभी भी आप ये जो आपका मैप मेथड है ये दो आपको दो वैल्यूज़ देता है यहाँ पर, अगर इन लोगों ने यूज़ किया है तो ठीक है, अदर देन दैट जो है आपको ये हमेशा दो मेथड्स एक्चुअली आपको प्रोवाइड करता है, एक जो है आपको करंट आइटम और प्लस जो होता है दूसरा इंडेक्स, ठीक है। तो दो चीज़ें जो है ये आपको प्रोवाइड करता है, कंसोल करके भी इसको अगर आपको देखना चाहे तो हम इसको देख सकते हैं, तो आई इंडेक्स, ठीक है। मैं कंसोल ओपन कर देता हूँ और कंसोल पे हम यहाँ पे एक बार कंसोल करेंगे इसे। तो लिस्ट को जो है सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे रेंडर करना होगा, तो अगेन इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और कमेंट करने के बाद से अब हम यहाँ पर लिस्ट कंपोनेंट को रेंडर करेंगे, ठीक है। सेव करते हैं, लिस्ट कंपोनेंट अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हम ब्लैंक जो है वैल्यू एक्चुअली हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। सो कंसोल डॉट लॉग करते हैं, लॉग करने के बाद आइटम और इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला जो वैल्यू है वो आपका ऑब्जेक्ट, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट जो है ये पूरा का पूरा उठा के दे दे रहा है, दूसरा जो है आपका इंडेक्स है। तो एरे का ये जो मेथड है बेसिकली ये मेथड जो है आपको दो चीज़ें रिटर्न करता है, ये आइटरेट करता है आपके एरे पे बेसिकली। तो ये क्या करेगा कि आपको हर एक आइटम को जो है वो उठा के देगा प्लस जो है उसका इंडेक्स देगा। तो ऐसे अभी यहाँ पे हमें इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे से इंडेक्स को हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रिटर्न करना है बेसिकली एल आई, ठीक है। एल आई क्योंकि हम जो है लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एल आई जो है वो रिटर्न करेंगे। एल आई रिटर्न करने के बाद से जो है आइटम, आइटम डॉट टाइटल बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि डायनेमिक वैल्यू के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर आइटम जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। आइटम हमने यूज़ किया, सेव करते हैं और ये जो है आपका रिटर्न होगा। ओके, यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, सो ये कुछ इशू बता रहा है बेसिकली, फंक्शन कॉल इंस्टेंट शो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आइटम, जो है आइटम हम यहाँ पर आइटरेट बेसिकली यहाँ पर कर रहे हैं, और इसके ये एक्चुअली दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमने इसे रिटर्न नहीं किया है। तो हम यहाँ पर इसको रिटर्न करते हैं और रिटर्न करके हम इसको सेव करते हैं। तो सेव करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर उसके डॉट्स जो है वो यहाँ पर दिखने लगे हैं। ओके सॉरी, आइटम्स डॉट टाइटल, सॉरी जो ऑब्जेक्ट का नेम था टाइटल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे जो है यहाँ पर जो है हमारा सारा वैल्यू जो है यहाँ पर आइट्रेट होकर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नॉर्मली हमने इसको रिटर्न किया है, रिटर्न स्टेटमेंट जो है हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो इसको मैं कट करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो ये मेथड बेसिकली हम यूज़ करेंगे उसमें हम रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर कर्ली ब्रैकेट के साथ अगर यूज़ कर रहे हैं, एस जो है हम डायरेक्टली अगर इसको प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है कि वो सीधा सीधा उसको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो है एल आई जो है हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, ये सारे वैल्यूज जो यहाँ पर दिख रहे हैं। प्लस एक चीज़ और है जो कि मैंडेटरी है यहाँ पर देना, वो है हमें यहाँ पर की देना, ठीक है। की मैंडेटरी है कि आपको हमेशा देना ही देना है, अदरवाइज जो है वो यहाँ पर एरर थ्रो करेगा। समटाइम्स एरर थ्रो नहीं करेगा, इन केस कि जब आप जो है JLint जो है अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अदर देन दैट जो है ये एरर देने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा होगी। अब ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी हम यहाँ भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आईडी दे देते हैं, यहाँ पर आईडी जो है बेसिकली ये आईडी जो आ रहा है उसी आईडी को हमने यहाँ पर दे दिया है, वो चीज़ें जो है यहाँ पर हमने यूज़ किया है। अदर देन दैट जो है आप यहाँ पर इंडेक्स जो हमने इससे पहले यूज़ किया था उस इंडेक्स को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और सरप्राइज होने वाली बात ये है कि जो हम की यहाँ पर देते हैं वो की हमें यहाँ पर विजिबल नहीं होता है, वो की जो है आपको यहाँ पर दिखता नहीं है, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो हमने वहाँ पर की आईडी जो हमने यहाँ पर पास किया था वो यहाँ पर दिखता नहीं है। तो एक्चुअली में ये की है क्या, सवाल भी ये उठता है कि ये हमें देना क्यों ज़रूरी है और ये दिखता ही नहीं है तो इसको हम क्यों दे रहे हैं एक्चुअली। तो इस की को जो रिएक्ट है वो अपने खुद के लिए यूज़ करता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम यूज़ करता है, ठीक है। एक्चुअल डॉम जो है वो वहाँ पर नहीं जाता है, वो खुद से पूरा का पूरा डॉम जो है क्रिएट करके वो ब्राउज़र को देता है जो कि वहाँ पर चलता है। और वर्चुअल डॉम कोई मतलब रिएक्ट का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है जिसको रिएक्ट ने फोकस मिलाया है,
एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना भी वर्चुअल डॉम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा डीप जाना चाहें तो इस पर कर सकते हैं। तो आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में यहाँ पर भी बोला गया है इसके बारे में, ठीक है। तो नाउ एल आई हैज़ की एट्रीब्यूट, ठीक है। फॉर ईच आइटम इन इन लिस्ट यू शुड पास स्ट्रिंग और नंबर दैट यूनिक आइडेंटिफाई दैट आइटम अमॉन्ग इट्स सिबलिंग, ठीक है। यूजली अ की शुड बी बिकम फ्रॉम योर डेटा सच एज डेटाबेस आई डी। रिएक्ट यूजेज योर की टू नो वॉट हैपन इफ यू लेटर इंसर्ट डिलीट और रीलोड द आइटम। तो एक्चुअली में की का क्या यूज़ है, ये यहाँ पर चीज़ों को बता रहा है कि नॉर्मली जो है आप जो इंडेक्स मैप का जो इंडेक्स एक्चुअली यहाँ पे आप चला रहे हैं उस इंडेक्सिंग के थ्रू भी आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेफर ये करिए कि आप जो है वो की जो दे रहे हैं वो आपका जो डेटा एक्चुअली सर्वर साइड से जो आ रहा है उसको आप यूज़ करिए, वहाँ पर वो ज़्यादा बेटर अप्रोच होगा। क्योंकि जो भी डेटा बेस से वो जो आईडी आता है वो होता है यूनिक आईडी होता है, और उस यूनिक आईडी को ये यूज़ करता है रिएक्ट एक्चुअली। और ये कब उसको यूज़ करता है, जब आप कोई एल आई या कोई भी पर्टिकुलर डॉम जो है आप डिलीट कर रहे हैं या रीऑर्डरिंग कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो इस केस में इसको आइडेंटिफाई करता है। वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि अगर पर्टिकुलर किसी एक डॉम में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वाले आईडी पे ही जाके उस डॉम को जो है वो रेंडर करेगा, वो पूरे पूरे सेक्शन को रेंडर नहीं करेगा। तो वो इंटरनली जो है इस चीज़ को यूज़ करता है जिसके लिए आपको की देना ज़रूरी होता है। आपको स्ट्रिक्ट मतलब ये बहुत इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं है, आप अगर नहीं दे रहे हैं तो वो समटाइम्स जो है वो आपको वार्निंग्स देगा, बट प्रेफर ये करिए कि आप वहाँ पर की ज़रूर दीजिए। अगर की देंगे तो लॉजिकली रिएक्ट इस चीज़ को ज़्यादा बेटर वे में समझेगा। अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि फ्रेमवर्क्स जब हम कोई यूज़ करते हैं तो फ्रेमवर्क्स के कुछ रूल्स हैं, सर्टेन रूल्स हैं, उसको आपको फॉलो करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए, तो आप उस रूल्स को ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप मोस्टली अपना डेटा जो है वो डेटा को जो है लिस्ट डाउन कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे चाहें तो आप फॉर लूप जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर लूप अगेन फॉर देन आई इक्वल टू सम वैल्यूज देन लेंथ, उसके बाद से वो आइट्रेट करते हैं, वो बहुत लेंदी चला जाता है, मतलब उतना सारा आपको लिखना पड़ता है। अगर कंपेयर में अगर इसको अगर हम लूप में लिखना चाहें तो लूप में आपका ये कैसे होगा, लूप में होगा कि आप उसको फॉर देंगे, ठीक है, फॉर देने के बाद से या फॉर इच आप यूज़ करेंगे, फिर लेट आई इक्वल टू ज़ीरो समथिंग लाइक दैट, उसके बाद से आई इज़ लेस देन लेंथ, जो भी आपका एरे लेंथ है एरे डॉट लेंथ, ठीक है, प्लस। तो इतना सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में अगर आप यूज़ करना चाहें, जो कि अब अगेन यहाँ पे लूप चलाएंगे, लूप चलाने के बाद से आप एक एरे में उसको पुश करेंगे देन उसको आइट्रेट करेंगे, या उस ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है एक एक करके वहाँ पर भेजेंगे। यहाँ पर ये क्या करता है, मैप जो है आइट्रेट करके एक एरे ही आपको रिटर्न कर देता है, वो एरे डायरेक्टली आप वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं जो कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिस्प्ले हो जा रहा है, ठीक है। तो बेटर वे है, ईजीएस्ट वे है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो लूप की जगह जो है आप मैप मेथड्स जो है, और इसके अलावा ये सिक्स के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बट रिएक्ट में वैल्यूज़ को जितने भी आपके लिस्ट हैं उनको आइट्रेट करने के लिए ज़्यादातर जो है मैप मेथड ही लोग यूज़ करते हैं। तो आप इसको प्रेफर करिए और इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट भी मिलेगा, और प्लस ये नेटिवली वर्क करता है, तो अगेन इम्प्रूवमेंट जो है तो हो ही रही है, ठीक है। तो नेटिवली वर्क करता है तो ये कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट है। ओवरऑल जो है हमने रेंडरिंग लिस्ट जो है क्लियर किया, इससे पहले हमने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, और इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं फर्दर लर्निंग्स के लिए। अभी तक के लिए इतना ही, अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।